हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सभी? मनोज कुमार, जालधर कुमार, बबीता, रमेश, अनीता, वीवी शिवा, चंदा, आदित्य, राहुल, किरण, फौजिया बानो, गायत्री, गीता पांडे, काफ़ी दोस्त ऑनलाइन आए हुए, बहुत बहुत दोस्त आए हुए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और आप सभी दोस्तों को गुड इवनिंग दोस्तों, और सभी दोस्तों का मैं नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, माफ़ी चाहूँगा। और अभी हम लाइव मॉक टेस्ट शुरू करने वाले दोस्तों, तो सभी दोस्त आ जाइए, फिर मैं ये चैट ऑफ कर देता हूँ। जी गुड इवनिंग जी, सभी दोस्तों को, विनोद कुमार, अभिषेक जी, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। सभी को मैं नहीं नाम ले पाऊंगा, माफ़ी चाहूँगा। और अभी दोस्तों हम लाइव मॉक टेस्ट करने वाले हैं। भूमि जैन, गायत्री, प्रीति मिश्रा, अभिषेक जी, सभी को गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। किसी के मुंह से गुड मॉर्निंग नहीं निकल रहा क्या? आदत पड़ी हुई थी ना हमें गुड मॉर्निंग की जी। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारा लाइव मॉक टेस्ट जी। 22 दोस्त, 23 दोस्त ऑनलाइन है। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, और इस तरह के क्वेश्चन हमारे काफी आए हैं दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करते हैं काफी क्वेश्चन के अंदर। आप हिंदी इंग्लिश के अंदर देख सकते हैं, किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभाग को अभिवृत्त करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है जी। अरे क्वेश्चन तो पढ़ लो। रश्मि कुमारी जी, गायत्री मंत्र, सरिता, गुड इवनिंग जी। चलिए क्वेश्चन पढ़िए पहले दोस्तों। द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कंडक्ट ए इंटरव्यू सेशन फॉर टीचर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट विद ए व्यू ऑफ एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर एनहांस पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, बताइए? इवैल्यूएशन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, क्या कहेंगे जी? सबरीन बानो, के वी शर्मा, अभिषेक कुमार, वंदना, सुमी जैन, प्रवीण कुमार, विक्रम जी, सभी दोस्त इसका आंसर सी दे रहे हैं। सी, एक्शन रिसर्च है। अप्लाइड नहीं आएगा क्या? एक्शन रिसर्च आएगा। कैसे आएगा, कैसे है, कोई बता सकता है क्यों आएगा, क्या रीजन है इसके अंदर? ऐसी इस पैराग्राफ के अंदर ऐसी क्या बात है जिस वजह से ये एक्शन रिसर्च आएगा जी? बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर एक्शन रिसर्च आएगा। और जो दोस्त आंसर नहीं दे पाए उनको मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हमारा एक्शन रिसर्च आएगा दोस्तों। बिल्कुल सही, काफी दोस्तों ने, लगभग सभी दोस्तों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। अरुण, सरिता, एंजल, युक्ता, मोहत जी, बिल्कुल सही दोस्तों। इसके अंदर एक शब्द दिया हो उसको आप पकड़िए, एनहांस दिया हुआ है। और हिंदी में बात करें हम, अभिवृत्ति की बात करें, जहां पे किसी चीज की बढ़ोतरी की बात हो, किसी में इम्प्रूवमेंट की बात हो, इम्प्रूवमेंट की बात होगी ना जहां पे, वहां पे क्या होगा, एक्शन रिसर्च हमारी होगी। और इस तरह के क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट के अंदर काफी क्वेश्चन आए हैं जिनके अंदर इम्प्रूवमेंट की बात की जाए, तो वहां पे क्या होगा, एक्शन रिसर्च हमारा होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्योंकि संभावना का पता लगाने के लिए, संभावना नहीं जी, एनहांस की बात कर रहा है, इसमें इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, इसलिए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है, तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी, ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर लिखना और फिर उसका आंसर लिखना आपको। ए रिसर्चर इंटेंड टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशन, इसका क्या होगा जी? वंदना जी, वंदना आप क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर और फिर आंसर लिखिए। रश्मि कुमारी ने वन का सी दिया, राजकुमार वन का सी, फौजिया वन और टू का सी, मनोज कुमार, अभिषेक डी, ज्योति मिश्रा टू का डी, रश्मि इसमें कंफ्यूज है, टू और थ्री और फोर आंसर आ रहा है इसका। काफी दोस्त, मोहद इकरार टू का सी है, प्रीति मिश्रा टू का डी है, विक्रम जी ने डी दिया है, सुमी जैन ने डी दिया है, अनीता शर्मा ने डी दिया है, पूजा ने भी डी दिया है, काफी दोस्तों ने सी और डी इसका आंसर आ रहा है। किरण कुमारी, अरुण, रेणु, तो
तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, एक्स परफेक्ट। क्या बात है पूजा यादव जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर दिया आप सभी दोस्तों ने इसका। इसका आंसर डी आएगा। और कई दोस्तों ने गलत दिया है, अरुण जी ने गलत दिया है, किरण कुमारी और गीता पांडे ने तो एक का दिया है। चलो ए के एस बास्केट वाली, इन्होंने भी सी दिया। सी नहीं आएगा दोस्तों, इसका आंसर एक्स परफेक्टो आएगा। देखिए इसके अंदर किसकी बात की गई, देखिए एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव मिड डे मील ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बात कर रहा है दोस्तों। इसके अंदर इफेक्ट का पता लगाया जा रहा है। मिड एक्स पोस्ट फैक्टो के अंदर यही तो होता है दोस्तों, पहले कोई घटना घट जाती है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा वो जानने के लिए हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का यूज करते हैं। हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया है। मल्ती जी गुड इवनिंग, जी गुड इवनिंग, लेट हो गए आप, अच्छी बात नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करते ये बताइए दोस्तों। रिसर्च इथिक्स डू नॉट इंक्लूड, रिसर्च इथिक्स किसको इंक्लूड नहीं करती, किसे इंक्लूड नहीं करती ये बताइए दोस्तों। अरे आया नहीं सवाल, अरे आ गया जी, टू का डी, डी डी आंसर दे रहे हैं सभी। अरे थ्री का बताइए ना, थ्री का बी, बी। अनीता जी आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे, काफी दोस्त क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे। एजुकेशन सॉल्यूशन, ज्योतिमा मिश्रा, गायत्री, अखिलेश कुमार, मनोज कुमार, थ्री का बी आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी आएगा इसका आंसर। देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए इसका। इसके बारे में हमने बताया भी था आपको, रिसर्च एथिक्स के बारे में अच्छे से बताया है जी, बिल्कुल सही है। युक्ता, किरण कुमारी, सविता घोले, गीता पांडे, दिलीप सिंह, वंदना, कादर हुसैन, अनीता रानी, जी सभी दोस्तों ने इसका आंसर बी दिया है जी, बिल्कुल सही है दोस्तों। सब्जेक्टिविटी, उसमें व्यक्ति परकता नहीं होगी, उसमें पर्सनल चीज नहीं होगी, ये हमने आपको बताया था। अभी हमारी जो क्लास हुई थी पीछे, जो एक एक वीडियो कर रहे थे ना हम रिसर्च की, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो रिसर्च एथिक्स है उसके अंदर हम पर्सनल चीजें नहीं लेके आते जी, बिल्कुल सही आंसर है इसका। और दोस्तों मैं एक बार पीछे जाना चाहूंगा, पीछे जाना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर एक दो, एक और दो पे वापस जाना चाहूंगा। हमारे ये देखिए क्वेश्चन नंबर एक और दो, इनके इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार क्या होगा इसके अंदर क्या नहीं होगा, तो हमें उसका थीम पता करना होगा कि इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है, ये किस चीज की बात कर रहा है, इफेक्ट की बात कर रहा है या फिर इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है। इन क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से समझेंगे ना तो बिल्कुल आसानी से इनका हम आंसर दे सकते हैं। काफी दोस्तों के मेरे पास सवाल आए थे, वो बोले कि सर ये हमें समझ में नहीं आता और काफी प्रॉब्लम होती है, तो इनको आप समझने की कोशिश करना, बिल्कुल आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं। पूजा यादव, सब्जेक्टिविटी मीन्स पर्सनल बायसेस, जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। प्रणाम जी, अंकित जी, गायत्री मंतर, मंजूर अंसारी, वंदना गुप्ता जी, हाँ जी बहुत कंफ्यूज होते हैं गायत्री मंत्र जी, यही मैं बता रहा हूँ, आप उनको अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, उसमें आप देखिए वो क्या कह रहा। चलिए इसका बताइए, फोर का डी आंसर आ गया। अभी से एक ने डी आंसर दिया है, गायत्री मंत्र ने डी दिया है, प्रवीण कुमार ने डी दिया है, साहिब कुमारी ने डी है, रेना, रेनू, रेनू, प्रीति, फहमिदा, दीपशिखा, मोहद, फौजे वानो, मनोज यादव, शोभना, कादिर जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यार आप तो बिल्कुल अच्छे से सही से पढ़ रहे हैं भाई, बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पे कौन सा है जी, बिल्कुल सही। पूजा यादव, ज्योतिमा, अभिषेक, ए के एस, अरुण जी, सर इकरार कह सकते हैं, ओके जी, ओके इकरार जी, ओके सर। चलिए दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है आप सभी दोस्तों ने, इसका आंसर डी आंसर आएगा। और इसको ये देखिए दोस्तों, सैम्पलिंग से आज तक बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं सैम्पलिंग से, और हमने एक वीडियो भी बना रखी है जिसके अंदर हमने आपको दिखाया कि सैम्पलिंग से आज तक किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार, और आज जो क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेके आए हैं हम।
चलिए दोस्तों, सर फॉर आंसर का एक्सप्लेन किया करो सर जी। इजी जी, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई बात है ही नहीं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग सतरबद्ध, इसके अंदर क्या होता है कि हम स्टेप बनाते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20 पे एक एक सैंपल इकट्ठा करते हैं। हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। चलिए, 5 का आंसर बताइए दोस्तों। 5 का अभिषेक ने बी दिया है, गायत्री मंत्र ने बी दिया है, विक्रम जी ने बी, मोनिका ढिंगरा बी, 5 का बी। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो स्टेप ऑफ रिसर्च है, इसमें से काफी क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं, और आप अच्छे से कीजिए इसको। पूजा यादव लेट चल रहे हैं भाई। 5 का बी बी आंसर आ रहा है। शोभना कुमारी, विनीता, सरिता मिश्रा, मनोज कुमार, चंदन, पूजा, फहमिदा, साहिब, साहिब कुमारी, अनीता, आदित्य, धनराज, मोहद, प्रवीण कुमार, प्रीति जी, सभी दोस्तों ने इसका आंसर बी दिया है। जी बिल्कुल सही है दोस्तों, बी। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम आएगी, फिर आएगा हमारा लिस्ट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ये सभी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से स्टेप पहले आएंगे, और ये स्टेप आप अच्छे से ध्यान रख लेना दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ, इनमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते दोस्तों। इसमें बताइए, इसमें कौन सा होगा? ये देखिए, एमएलए, एपीए एमएलए और शिकागो फॉर्मेट, इनमें से पहले काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, बताइए। और ये जो है ना, तो सर आपके आशीर्वाद से मेरा नेट हुआ है, अब मेरा जेआरएफ करवा दीजिए। जी थैंक यू सर जी, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में है। 6 का ए आंसर दिया है, गायत्री मंत्र ने 6 का ए आंसर है। हाँ, अब देखेंगे कौन पिटेगा इसके अंदर। 6 का डी है, 6 का ए है, अभिषेक कुमार ने ए दिया है, डी आ रहा है, ए आ रहा है, डी आ रहा है। मंजूर अंसारी शायद लेट चल रहे हैं। सिख प्रीति मिश्रा ने ए दिया है इसका आंसर। ए डी, ए और डी इसका आंसर आ रहा है एमएलए फॉर्मेट के अंदर। दोस्तों ये 3 फॉर्मेट है, एमएलए, शिकागो और एपीए फॉर्मेट है। इनमें से आज तक काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, और आगे भी इनमें से आने की संभावना है। और एक तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आप जरूर याद करना, एमएलए की फुल फॉर्म क्या है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। जी चलिए, इसका हम आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। सॉरी सर, गलती से हो गया। हाँ, गलती से हो गया, ईशा शर्मा जी, 6 का ए। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं दोस्तों, ए आंसर नहीं है, इसका आंसर डी है दोस्तों, डी आंसर है। आप गलत दे रहे हैं, काफी दोस्तों ने इसका आंसर गलत दिया। देखिए, ईशा शर्मा ने गलत दिया है, इनकी पिटाई होगी, घूसा लगेगा। ए के एस बास्केटबॉल जी, आप बास्केटबॉल खेलते रहते हैं क्या? आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए थोड़ा। के वी शर्मा जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। सबरीन बानो जी, आप क्या कर रहे हैं यार? अब देखिए आप, मनोज कुमार भी, ये देखो देखो, गीता पांडे, मनोज कुमार, ये भी ए आंसर दे रहे हैं। अरे इसका ए आंसर नहीं होगा, ए आंसर क्यों नहीं होगा वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इसके अंदर, हाँ ये देखिए, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ये देखिए फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, ये देखिए ये कोमा आया हुआ है दोस्तों, इस तरीके से कोमा आया हुआ है, ये नहीं आएगा इसके अंदर एमएलए स्टाइल के अंदर। और ये देखिए ऑप्शन नंबर, ये देखिए डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी, डी और ए दोनों कंपेयर करके देखिए आप दोस्तों, आप कौन सा सही है, आपको पता चल जाएगा डी और ए के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ऐसे गलती मत कीजिए यार, अभी एग्जाम होने वाले हैं, ऐसे करेंगे तो क्या बात बनेगी। चलिए अगला बताइए दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज यूज्ड इन, इसका बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ईशा शर्मा, आप सभी सॉरी मांग रहे हैं सर। अरे मैं यार क्या करूँ, आप सभी का यार अभी भी गलती करोगे आप तो क्या करेंगे आप, एग्जाम आ रहा है यार, एग्जाम। जी 7 का भी, 7 का भी, और ये किसी का भी गलत हो गया ना, किसी का भी गलत हो गया, तोड़ूंगा मैं, देख लेना, तोड़ूंगा मैं, देख लेना सभी को। सभी कुमारी, विनीता नेगी, रेनू, अभिषेक, मनोज, युक्ता, मनोज, सविता, ज्योतिमा, पूजा यादव, के बी शर्मा, अरुण, विक्रम जी, जी 7 का भी, बी इज करेक्ट जी, चंदा, कादिर हुसैन, गायत्री मंत्र, जैन क्लब, हाँ जैन क्लब, अब आए हैं आप, इतने इतने लेट हो गए आप भी, क्या कर रहे हैं। अभिषेक कुमार, फहमिदा नाज, मोनिका, सबरीन बानो, सभी दोस्तों ने इसका आंसर बी दिया है। कॉमर्स ट्यूटोरियल विद विष्णु,
अरे सर आप भी लेट हो गए। चलिए इसका आंसर देखते हैं, बच गए। अब की बार तो कोई नहीं पिटने वाला, सारे के सारे बच गए। बहुत खुशी है मेरे को आप आंसर दे रहे हैं। है उसका सिद्धांत हम कहाँ पे यूज करते हैं? अप्लाइड रिसर्च के अंदर उसको हम यूज करते हैं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर दिया आप सभी दोस्तों ने, मंजूर अंसारी जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अरे यार अरे यार क्या करें यार, बीच में कॉल, वैसे तो मैंने सब कुछ ऑफ किया हुआ है लेकिन ऑनलाइन आ गई, क्या करें, माफी चाहूंगा दोस्तों इसके लिए, मैं माफी चाहूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप बताइए दोस्तों 8 का। सर मेरा तो बोलता ही नहीं कि सही कि गलत। सुमी जैन जी, आगे अब देखेंगे जी आपका। नीतू पाल अभिषेक, 8 का ए, 8 का ए, मोहद इकरार, सब्बी कुमारी, वीना सुमन, अनीता शर्मा जी। अगर किसी दोस्त का नाम नहीं ले पाऊं तो आप बता दिया करें कमेंट में कि मेरा नाम नहीं लिया, मैं ले लूंगा। दीप शिखा चौधरी, 8 का ए जी। कई दोस्त ना क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख रहे। अरुण शर्मा जी, आप क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं लिख रहे, क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे, क्वेश्चन नंबर लिखे आप। अनीता जी, मोनिका जी, सभी दोस्तों ने इसका आंसर 8 का ए दिया है। सुमी ने भी 8 का ए दिया है और इन्होंने, सविता घुले ने बी दिया इसका आंसर। अनीता अग्रोही जी, आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे अनीता जी। चलिए मैं फर्स्ट में दी, ओके जी, ओके ओके ओके। चलिए सीक्वेंस क्या है इसकी? कोवेरिएशन। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल सही है, ए आंसर होगा। सहविचरण भ्रामण संबंधों का बहिष्करण, आप यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर देख सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश में इसको याद करिए, क्योंकि एक चीज बता देता हूँ, ये क्वेश्चन हमारा 3 बार आ चुका है, आज तक 3 बार आ चुका है। और इसके अंदर जो हिंदी है ना, हिंदी के अंदर जो स्टेप है वो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के स्टेप हमेशा ऐसे ही आते हैं, तो आप इंग्लिश में याद करने की कोशिश कीजिए। और हाँ सर, मुझे लाइव टेस्ट का लिंक भी नहीं मिला, मैं बहुत सैड हो गई थी। काफी स्टूडेंट आपके यूट्यूब पर दूसरे लाइव वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं। वीना सोमन जी, आपको लिंक मिल तो गया, और या हमने कितनी बार, कितनी, या चलिए मैं आपको अभी रोकूंगा यहाँ पे, क्लास हम मैं रोक रहा हूँ 1 मिनट। देखिए लाइव क्लास का जो लिंक है, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि हमारे पेड कोर्स के अंदर आपको फोल्डर नंबर 1 में जो 20 डेज वाला फोल्डर है उसके अंदर आपको मिलेगा। मैं चैट के जरिए भी आपको कितनी बार बताता हूँ, व्हाट्सएप पे हम स्टेटस भी डालते हैं, इतना कुछ करते हैं यार, फिर भी आप नहीं समझ पाते, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैसेज करने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, नहीं मिला था सर। अरे क्यों नहीं मिला वीना जी, क्यों नहीं मिला? आपने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया हमें व्हाट्सएप पे मैसेज, क्यों नहीं किया हमें? मैंने मैसेज किया है सर जी, आपने लेट किया होगा फिर मैसेज, लेट किया होगा आपने मैसेज। चलिए अगला बताइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरामेट्रिक टेस्ट, कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट है ये बताइए दोस्तों। टी टेस्ट, साइन टेस्ट, चॉइस के टेस्ट, रन टेस्ट। सर कनेक्ट हो गया, सॉरी सर हम लेट हो गए। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं जी। जी 9 का ए, 9 का ए, 9 का ए जी, ए आंसर आ रहा है। अभिषेक, अनीता, फहमीदनाज, जैन क्लब, स्क्रीन बड़ी करे तो लाइव कमेंट से स्क्रीन कवर हो रही है जी। लाइव कमेंट इसमें तो नहीं चल रहे, लाइव कमेंट तो नहीं चल रहे जी। 9 का सी और ए आंसर आ रहा है, ज्यादातर दोस्तों ने ए आंसर दिया है। ज्योति माँ, सबरीन बानो के भी मोहद, पूजा यादव जी, ईसा, काफी दोस्तों ने ए आंसर दिया है इसका, और बी भी आ रहा है। अरुण लहोट ने बी आंसर दिया है जी। चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। रॉयल दत्त ने 9 का सी दिया है, राजकुमार ने 9 का ए, जिन क्लब ने सी, प्रिंस मिश्रा ने 9 का ए। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा।
जी, इसका आंसर ए होगा दोस्तों, टी टेस्ट होगा दोस्तों इसका आंसर। और इसके बारे में दोस्तों हमारे नोट्स नोट्स देखना, उसके अंदर हमने आपको बहुत अच्छे से बताए हैं ये सभी टेस्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। आप नोट्स में देखिए और वीडियो भी हमने बना रखी है उनके अंदर आप देखिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इसके ऊपर हमने स्पेशल वीडियो बनाई है दोस्तों, आप वो देखिए, रिसर्च का जो फोल्डर है उसमें जाके देखिए, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, उसके बारे में वीडियो बना रखे वो देखिए। सर मेरा भी देखे प्लीज, बहुत दिन बाद आज मैंने क्लाय अर्चना मिश्रा जी, हाँ जी अब आए हैं आप। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बताइए, ये हमारा अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया था, द वेरिएबल विच इंपैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज कंट्रोल्ड। यार मैंने तो आंसर ही बोल दिया। चलिए जी, टोटल क्वेश्चन हमारे 26 है, 26 क्वेश्चन है हमारे जी। वंदना गुप्ता ने 9 का ए, प्रवीण कुमार 10 का डी, सबरीन कुमारी डी, फमिता नाज डी, सभी दोस्त डी दे रहे हैं, रेनू, पूजा, चंदन, अनीता, युक्ता जी, दीपशिखा चौधरी जी, सभी दोस्त इसका आंसर डी दे रहे हैं, कबीर हुसैन जी, ए भी आंसर है इसका दे रहे हैं, देखिए के ए के एस ए आंसर दे रहे हैं। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा दोस्तों। देखिए हमने इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया था, अभी हमारी 2-3 दिन पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कंट्रोल वेरिएबल होगा। कंट्रोल क्या होता है दोस्तों, इसको हम कंट्रोल करके रखते हैं, इसको हम एज ए कॉन्स्टेंट वेरिएबल भी कहते हैं और कंट्रोल वेरिएबल भी कहते हैं। इसके खुद के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ये, लेकिन ये दूसरों को इफेक्ट कर सकता है, इसको हम कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं और इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। सर मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं क्या जी, आप आंसर ही नहीं दे रहे हैं, मैं क्या करूं, आंसर दीजिए फिर देखूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आधार पर, इस क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझिए और इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से किस आधार पर जया पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, इसका आंसर क्या होगा जी, इसका बताइए दोस्तों। प्रवीण कुमार का आया है 11 का ए, बी मोहित इकरार ने बी दिया है, सबरीन साहिब कुमारी ने ए दिया है, फहमिदा, अभिषेक, रेणु शर्मा, अनीता, अखिलेश, वीना कुमारी, विनीता, ज्योतिमा मिश्रा, मिश्रा जी कहाँ है, अर्चना मिश्रा, हाँ 11 का ए अब दिया है आपने, गायत्री, चंदन, कादिर हुसैन, सबरीन बानो जी, काफी दोस्तों ने इसका आंसर ए दिया और डी आया है, एजुकेशन सॉल्यूशन का इसका आंसर डी आया है। तो चलिए इसका हम आंसर देखते दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों ए होगा, फंडामेंटल रिसर्च होगा इसका आंसर, जो डी दे रहे हैं ना वो समझ लीजिए क्यों नहीं है इसका आंसर डी। पहले क्वेश्चन को पढ़िए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस आधार पर जया पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। देखिए जहां पे हम सिद्धांत की बात करते हैं, कौन सी रिसर्च के अंदर हम सिद्धांत लेके आते हैं, कौन सी रिसर्च के अंदर हम नियम बनाते हैं, वो बनाते हैं दोस्तों फंडामेंटल रिसर्च, और बेसिक रिसर्च के अंदर हम किसी भी सिद्धांत को इजाद करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, फंडामेंटल रिसर्च आएगा दोस्तों, गलती मत कीजिए, गलती मत कीजिए। सर आप मेरे जल्दी नहीं देखते इसलिए लेट दिया, ओके 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 ये बात है, सुमी सर मैं तो दे रही हूँ, हाँ जी दे रहे आप, कादिर हुसैन, फंडामेंटल जी, हाँ जी फंडामेंटल रिसर्च को बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। चलिए अरे यार ये तो हमारा हो ही गया, ये मिड डे मील वाला तो हो ही गया, ये बताइए दोस्तों अगला है हमारा, हाँ जी ए कुमारी विनीता ए होगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए दोस्तों, एक्शन रिसर्च के स्टेप बताइए, एक्शन रिसर्च से यार बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत क्वेश्चन आए एक्शन रिसर्च से जी। प्रवीण कुमारी ने 12 का जी, 12 नहीं 13 का आंसर बताइए, 12 रिपीट हो गया है, सेम क्वेश्चन दो बार आ गया, इकरार ने, एजुकेशन सॉल्यूशन ने टू, अनीता बी, साहिब, विनीता, दीपशिखा, कादिर डी आंसर दिया इन्होंने, बी आंसर है, पूजा, ज्योतिमा,
अभिषेक चंद, अर्चना मिश्रा जी, तेरा का भी आया है, अब आया इनका तेरा का भी जी। युक्ता रारा, मनोज जी, लगभग सभी दोस्तों ने इसका आंसर बी दिया है, प्लांट एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट इसका आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर टू इसका बिल्कुल सही है। और दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक्शन रिसर्च से रिलेटेड आज तक बहुत क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, अगर आपने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर किया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक्शन रिसर्च के अंदर एक और चीज होती है, वो आगे आएगी, आगे मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ उसमें आपको पता चलेगा। सर मेरा नाम नहीं लेते, फहमीदा नाज, ओके जी, ओके ओके, अब लेंगे। विकास दुहन जी, अब आए आप, इतनी लेट आए हैं सर आप भी, विकास दुहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ए वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडिया एंड इशू मे बी मेड पॉसिबल, ये बताइए दोस्तों, इसमें देखता हूं मैं किसका गलत होगा, तोड़ूंगा मैं, कुटाई करूंगा, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, सर ये मेरा फेवरेट है, हा, एंजल एंटरटेनमेंट जी। सुमी जैन, 13 का बी, 11 का डी दिया है इन्होंने, विकास, ये शायद लेट चल रहे, लेट आने वाले लेट चलेंगे जी, आप टाइम पे आया करें सभी दोस्त। 14 का सी आंसर आना स्टार्ट हो गया है, मनोज कुमार, अनीता, रश्मि कुमारी, विनीता, अनित, अंकित, प्रीति मिश्रा, साहिब कुमारी, कॉन्फ्रेंस, अरे सही से आंसर दो, सही से, पिटाई होगी सभी की, पिटाई होगी, सॉरी डी, विकास धनसु दोहन जी, शायद आप लेट चल रहे हैं, 14 का सी और बी भी आंसर है, बी आंसर किसने दिया है, युक्ता ने बी आंसर दिया है, इसका वर्कशॉप दिया है, और किसने दिया है बी, किसने दिया, और बताओ भाई किसने दिया है, और तो कोई नहीं दे रहा, एजुकेशन, कादिर, अनीता, विनोद, मनोज कुमार, अर्चना मिश्रा, सी, मोनिका, धिंगरा, अर्जुन जी, सभी दोस्त इसका आंसर बी और सी आंसर दे रहे हैं, बी नहीं, सी आंसर ज्यादातर है, और बी आंसर अर्जुन ने दिया है, सी अलका दाहिमा ने भी बी दिया है। चलिए देखते इसका आंसर क्या होगा और पिटेंगे, जिन जिन ने इसका आंसर बी दिया है तोड़ूंगा मैं, तोड़ूंगा भैया, इसका आंसर सी आएगा, बताया नहीं था क्या ये, कितने अच्छे से तो बताया था, कल वाली क्लास में भी है, जहां पे बड़े लेवल पे बात की जाए वहां पे क्या होगा दोस्तों, कॉन्फ्रेंस होगी, सम्मेलन की बात नहीं की थी, कितना अच्छे तरीके से तो समझाया यार मैंने आपको, बड़े लेवल पे जब हम किसी विचार या मुद्दे को उठाते हैं तो वहां पे क्या होता है, सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, और कार्यशाला कैसे होगी, जो दोस्त इसका आंसर बी दे रहे हैं ना उनको तोड़ूंगा मैं, आऊं मारूं स्क्रीन से निकल के, स्क्रीन टूट जाएगी आपकी, क्या कर रहे हैं यार आप, बी नहीं होगा, बी कैसे होगा, वर्कशॉप के अंदर हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, वर्क करते हैं वहां पे होते हैं वर्कशॉप, यहाँ पे कहीं भी वर्क की बात हो रही है क्या, वाइडर को कईयों ने वेल्डिंग समझ लिया होगा है ना, वेल्डिंग करते हैं गाड़ियों के, वेल्डिंग करते हैं वो वर्कशॉप होगी है ना, ऐसे ही सोचा होगा है ना, ऐसा नहीं है अलका दाइमा जी, सही से पढ़िए, क्या कर रहे हैं आप, वेल्डर दिया है, वेल्डर, ओहो वेल्डर, सॉरी सॉरी, ये वाइडर आएगा दोस्तों, वाइडर आएगा, वाइड, यहाँ पे आप हिंदी में भी तो देख सकते हैं दोस्तों, वाइडर मतलब बड़े लेवल पे, तो चलिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक हम मान सकते हैं, स्क्रीन थोड़ा बढ़ा कर दीजिए जी, कितना बढ़ाएं हम स्क्रीन को जी, आप ये बताइए किसी स्क्रीन पे वो दिख रहे हैं क्या, कमेंट दिख रहे हैं क्या स्क्रीन पे, स्क्रीन पे कमेंट दिख रहे हैं तो आप बता देना, मेरे को तो लग नहीं रहा कि इसमें कमेंट दिख रहे हैं, आप बताना अगर दिख रहे हैं तो जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, टेरिटरी सोर्स ऑफ डेटा इज, ये बताइए दोस्तों, तृतीय सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होता है, ये बताइए, रिसर्च के अंदर तृतीय सोर्स ऑफ डेटा क्या होते हैं, डेटा कलेक्शन का तीसरा तरीका क्या होता है, ये बताइए। 15 का सी, सी सर मैंने सी ही बोला, ओके ओके ओके, सुमी जैन, मोहद, इमरान अली, यस जी, रश्मि कुमारी, युक्ता, ए के एस बास्केटबॉल, 15 का बी, चलिए सर मैं सबसे फर्स्ट जी, फहमीदा नाज जी, आप हमेशा फर्स्ट रहते हैं, अच्छी बात है जी, केवी शर्मा, ईशा शर्मा, सरिता मिश्रा, मोनिका,
जी वीरा सुमन 15 का C आपने, जी अर्चना मिश्रा ने दिया 15 का C, 100% राइट करेक्ट सर जी। चलिए हर्षित शर्मा ने, हर्षित शर्मा लेट आए यार, ये लेट आने वालों का ना मैं मुर्गा बनाने का मन कर रहा है यार। यार एक तो इतना कम टाइम बचा है फिर आप लेट आ रहे हैं। मुस्कान मिश्रा जी, चलिए इसका आंसर हम देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी होगा दोस्तों, इंफॉर्मेशन ड्राइव फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, इसको हम क्या कहते हैं, टेरिटरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन कहते हैं। हिंदी में भी बता दो सर प्लीज। बिना जी मैंने बताया तो हिंदी में कि तृतीय सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होता है, तृतीय वो जो डेटा कलेक्शन करते हैं वो तीसरा किस तरह का टाइप होता है वो हमें बताना है। तो जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के सोर्स का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टेरिटरी सोर्स ऑफ कलेक्शन कहते हैं। हाँ जी हिंदी में, ओहो एक बार इंग्लिश में आ गया तो ये होगा है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंग्लिश में भी समझने की कोशिश किया करो और आगे से मैं ज्यादा ध्यान रखूंगा। ओके मजा आ रहा है, ओके मुस्कान मिश्रा जी अच्छी बात है। चलिए अगला बताइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या होगा। हा, इसमें पिटाई होगी आप सभी की। ये बताओ देखते हैं कौन इंटेलिजेंट है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज ए पार्ट ऑफ, प्रतिभागी परीक्षण निम्नलिखित में से किसका अंश है ये बताइए। सर आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही जी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है आपके में जी। साहिब कुमारी ने 16 का D दिया है, रश्मि ने D दिया है, और जैन, अभिषेक, रेणु, सुमन, मिताली, अभिषेक, मुस्कान, मिताली, शोभना नारायण, नारायण, ईशा जी, सभी दोस्त इसका आंसर D दे रहे हैं। अर्चना मिश्रा ने भी D दिया है, अरुण, मनोज यादव, सबरीन बानो। मनोज कुमार जी आप कहाँ गए सर, कहाँ गए आप, आपके बिना मन नहीं लगता। सरिता मिश्रा जी D आंसर है, सभी दोस्तों ने D आंसर दिया है। अरे यार आप तो पढ़ने लग गए भाई, अच्छी बात है जी, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इसका आंसर D होगा जी, बिल्कुल सही है, इसका आंसर D होगा, इथेनोग्राफिक रिसर्च होती है। और मेरे को यार बहुत खुशी है, सच में मैं बता रहा हूँ यार, मेरे को खुशी है कि आप सभी दोस्त 95% आप सभी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं जी। मैं सर मेरी वीडियो रुक गई, ओहो सर जी सुनो, सुनाओ जी बीना जी, सर जी प्लीज मेरी एक बात जानो। हाँ जी सुनाओ जी, सुनाओ जी। इथेनोग्राफिक रिसर्च के अंदर दोस्तों हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो भी व्यक्ति होता है उसकी रियल लाइफ से रिलेटेड हम डेटा कलेक्शन की कोशिश करते हैं, उसकी लाइफ को समझने की हम कोशिश करते हैं जी। चलिए दोस्तों जी, वीना जी बताइए आप क्या कह रहे हैं जी। सर कमेंट के आवाज से स्क्रीन क्लियर नहीं है सर, कमेंट की वजह से। मधु सिंह जी कमेंट कहाँ पे आ रहे हैं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहे कहाँ कमेंट आ रहे हैं। कमेंट ये देखिए मैंने तो ऑफ किए हुए हैं, कमेंट कहाँ आ रहे हैं यार, मेरे को समझ में नहीं आई बात कहाँ आ रहे हैं। आप बताइए जिस कमेंट दिख रहे हैं या नहीं, पहले आप इसका आंसर बताइए फिर मैं बात करता हूं, कमेंट पे बात करता हूं, पहले इसका आंसर बताइए। जी बता देंगे जी मनोज कुमार जी इसके बारे में, क्रेडिट आपकी है सर आंसर देने के लिए। ओके 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 जी जी 17 का D है, अखिलेश, रेणु, अर्जुन ने सी दिया इसका आंसर, रश्मि ने D दिया है, जैन ने D दिया है, अभिषेक जी, काफी दोस्तों का D है, कईयों का C भी आंसर है इसका। स्क्रीन शॉट करने पे नहीं दिख रहे सर, मोबाइल पर जब आंसर देते तब तब कमेंट आते हैं। रुकिए मैं अभी कमेंट पे बात करने वाला हूं। सभी कुमारी, सविता, मनोज यादव, मनोज कुमार कहाँ गए पता नहीं यार कहाँ गए। वीना सुमन जी 17 का D है। पार्टिसिपेंट इन विच टाइप ऑफ रिसर्च हैज द ग्रेट पोटेंशियल फॉर इंश्योरिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोफेशनल एज वेल एज वर्क सिचुएशन जी। इसका आंसर देखते हैं किसका गलत है किसका सही है। पूजा यादव, अर्चना मिश्रा, आई एम फर्स्ट एंड राइट आंसर सर जी। चलिए
17 का डी 100% बिकॉज इंप्रूवमेंट है क्वेश्चन में। 17 का डी एक्सल रिसर्च। हा। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसका आंसर डी आएगा जी, बिल्कुल सही। सर्वव्यवहृत शोध मतलब आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, अप्लाइड रिसर्च दिया हुआ है जी, बिल्कुल सही है जी। देखिए एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च के अंदर मैंने आपको बताया था जहां पे इम्प्रूवमेंट की बात आए, जहां पे कुछ चीज इंप्रूव की जाए वहां पे क्या होगा, एक्शन रिसर्च होगी। और तत्कालिक कोई इमीडिएट एप्लीकेशन के लिए भी क्या होगी हमारी, एक्शन रिसर्च होगी। इमीडिएट कोई काम करना हो या फिर इम्प्रूवमेंट करनी हो, और या फिर एक और क्वेश्चन बनता है इस पे, क्या बनता है, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, वो वाला क्वेश्चन बनता है इस पे। सर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, आपने इतने अच्छे पढ़ाया है, सब आंसर आसान लग रहे हैं जी। मुस्कान मिश्रा जी, देखिए ये सभी क्वेश्चन यूजीसी नेट में आए हुए हैं और अभी के भी आए हुए हैं, 18-19 के क्वेश्चन हैं। सॉरी सर, सॉरी फॉर दैट। वीरेंद्र कुमार सर नाराज क्यों हो रहे हो, कहाँ हो रहा हूँ सर, मैं तो नहीं हो रहा वीरेंद्र जी। सर मैं दोनों लैंग्वेज शो होगी, हाँ जी उसमें एग्जाम में दोनों होगी। यस मुस्कान सर, इवैल्यूएशन क्यों नहीं होगा, देखिए इवैल्यूएशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर देखिए इम्प्रूवमेंट की बात की गई है, और जहां पे इम्प्रूवमेंट की बात हो वहां पे हमारा एक्शन रिसर्च होगा। चलिए हाँ जी, अब सुनते वीना की। सर सुनो तो सही, आपकी यूट्यूब पर भी लाइव क्लास हो रही है, काफी स्टूडेंट वहां कमेंट कर रहे हैं। वीना सुमन जी, वो लाइव क्लास नहीं हो रही, वो लाइव नहीं हो रही, वो रिकॉर्डेड क्लास है और वो एज ए लाइव चला रहे हैं हम, वो लाइव क्लास नहीं है, वो फ्री वालों के लिए है, और क्या है वो रिकॉर्डेड है फ्री वालों के लिए। वो यही तो फर्क है जी, पेड में और फ्री में यही तो फर्क है। पेड के अंदर आप हमसे चैट कर सकते हैं, लेकिन फ्री वाले स्टूडेंट क्या है, वो हमसे चैट नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है जी। चलिए अब मैं बात करता हूं दोस्तों, अब बताइए कमेंट की क्या प्रॉब्लम है, 1 मिनट रुकते हैं हम, कमेंट की बताइए किस किस को दिखाई दे रहा है इस पे, जब कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट किस किसको स्क्रीन पे कमेंट दिखाई दे रहे हैं। पूजा यादव जी बताइए, अरे कोई बता नहीं रहा है, अब ठीक है जी। पहले कमेंट का मसला दूर कीजिए, कमेंट में समझ नहीं पा रहा कैसे कमेंट दिखाई दे रहे हैं सर। बट बबीता और प्रिया हो, काफी स्टूडेंट और स्टूडेंट वहां कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि लाइव टेस्ट सर क्यों नहीं ले रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ। ओके 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 जी, देखते हैं देखते हैं देखते हैं वहां पे देखते हैं। नो प्रॉब्लम सर, कमेंट सर इंग्लिश वालों के लिए फर्स्ट पेपर बैड लैंग्वेज हो जी, सभी के लिए होगा सर, ठीक है जी। सर लॉन्ग करने पे दिख रहा है रोहतास जी, जब फोन का घुमा कर देखते हैं तो कमेंट स्क्रीन पर कवर हो रहे हैं। ओके ओके ओके, यानी अच्छा लैंडस्केप में देख रहे हैं तब आ रहे हैं कमेंट, तो जी ये तो आएंगे ही आएंगे, ये आएंगे, ये इनकी टेक्निकल प्रॉब्लम है YouTube की, आप इसको वो आएंगे ना वो, तो क्योंकि आपको स्क्रीन भी देखनी है कमेंट भी करने है, आप इसको वो क्या कहते हैं वर्टिकल में देखिए, वर्टिकल करके फिर देखिए आप, फिर कमेंट नहीं आएंगे जी। मैं समझ गया आपकी बात, क्या कह रहे हैं आप, मेरा नेटवर्क कनेक्शन नहीं हो रहा है सर जी, सॉरी। ये PDF या वीडियो कहाँ मिलेंगे बताइए प्लीज, व्हाट्सएप पर? नहीं जी, आपको पेड कोर्स के अंदर ही ये वीडियो और नोट्स दोनों चीजें मिल जाएंगी, पेड कोर्स के अंदर ही मिल जाएगी, ये आपको PDF भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। मेल्ड क्वेश्चनरी ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू एंड कलेक्शन कलेक्टिव क्वेश्चनरी आर इंस्टेंस ऑफ, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, डाक से प्रेषित अवलोकन साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण है, ये बताइए दोस्तों, ये बताइए। 18 का ए सी, सी भी आंसर है। देखिए अभिषेक ने सी दिया है और चंदा कुमारी ने सी दिया है, ए आंसर है मनोज यादव का जी, सी आंसर है। अर्चना मिश्रा ने 18 का सी है, मनोज यादव जी, जैन, इकरार, रेनू,
मुस्कान, सबरीन बानो, विनोद मिश्रा, रमेश जिंगर, शोभना नारायण, अनीता जी, काफी दोस्तों ने इसका, लगभग सभी दोस्तों ने इसका सी आंसर दिया जी। चलिए मुस्कान जी, आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे, आप पिट जाओगे मेरे हाथों से जी। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी होगा दोस्तों, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन होगा। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन के अंदर हम डायरेक्टली डेटा इकट्ठा करते हैं, ये हमने बहुत अच्छे से आपको बताया था। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम करते हैं जी। एडमिट कार्ड 15 दिन पहले आएंगे एग्जाम से जी। शोध के दौरान अवलोकन दर्ज करते समय यदि कोई प्रेक्षक अंत क्रिया के दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर व्यक्ति की रेटिंग करता है तो यह पद क्या कहलाएगा। ये देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जब हम सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो दूसरे व्यक्ति के क्वेश्चन के आंसर को देख के अगर अपना आंसर दे तो उसको हम क्या कहेंगे, ये बताइए दोस्तों। 19 का सी आंसर आना स्टार्ट हो गया है। जेन, मिताली, रश्मि, साहिब, अनीता, अंजल एंटरटेनमेंट, गायत्री, फहमीदा, रश्मि, अर्चना जी, मनोज कुमार सर आप कहाँ थे। मनोज कुमार सर आपके बगैर मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, मैं उदास हो जाता हूँ आपके बिना। मनोज यादव, मोहद, रेनू, सुजीत, सुजीत कुमार लेट आए, वीरेंद्र कुमार, ये लेट आने वालों का तो कोई इलाज करना पड़ेगा मेरे को। सुजीत कुमार 19 का सी, मनोज कुमार 19 का सी, कादिर हुसैन, अखिलेश, विनोद कुमार मिश्रा सर 19 का सी, पूजा यादव 19 का सी जी। बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हेलो इफेक्ट होगा, हेलो प्रभाव होगा। इसके अंदर व्यक्ति किसी दूसरे के व्यक्ति को देख के, उसका आंसर देख के अपना आंसर दे, किसी से प्रभावित होके आंसर दे, तो वहां पे क्या होगा, हेलो प्रभाव होगा दोस्तों, हेलो इफेक्ट होगा। सर आपकी क्लास मिल ही नहीं रही थी, बहुत देर में सर्च करने पे मिला। अरे फरहानाज जी, हमने कितनी बार यार, कितनी बार हमने नोटिफिकेशन भेजा ऐप के अंदर। देखिए आप सभी दोस्तों को मैं एक बात कह रहा हूं कि आप सभी दोस्त ऐप के अंदर जो चैट ऑप्शन है ना, ऐप के अंदर चैट ऑप्शन, उसके अंदर आप डेली चेक कर लिया करें कि क्या हमने नोटिफिकेशन डाला है, क्या नहीं डाला है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और डेली मैं आगे के लिए बता रहा हूं, डेली आप आगे 8 बजे वहां पे चेक कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाए। सर ये क्वेश्चन पहले आ चुका है क्या। हां जी आ चुका है, आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत बार नोटिफिकेशन आया जी। ये देखिए चंदा कुमारी कह रही आया है। सर सभी को एक्सप्लेन कर दो। अनीता शर्मा जी देखिए इन सभी की एक्सप्लेनेशन हमने की हुई है, जो हमारी कल वाली क्लास थी उसमें की हुई है। अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी हमारी, और कल हमने की थी। और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है जी। 20 का आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बी आंसर है। आप सभी न्यूज नेट ओपन करें। हाँ जी 20 का बी, बी जैन, सभी, साहिब, रश्मि, अभिषेक, प्रवीण, सुमी जैन, वीना, चंदन, नोटिफिकेशन आया है सर, देखिए आ रहा है नोटिफिकेशन आ रहा है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता चल रहा। सर पीडीएफ से प्रिंट कैसे निकाल सकते जी। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, पीडीएफ नोट्स या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। मनोज कुमार, कुमारी विनीता, प्लीज एक्सप्लेन जी। ओके जी ओके सर, एक बार बोलू ये सारे क्वेश्चन ओल्ड ईयर पेपर से ही है ना। हाँ जी ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर से ही है, और ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि इनमें से ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर में से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं जी। चलिए दोस्तों इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा दोस्तों। अब देखिए समान आसान अभिवृत्ति स्केल जो एक समकालिक कोटि निर्धारित स्केल है, देखिए द इजिएस्ट एटीट्यूड स्केल विच इज सिमेटेड रेटिंग स्केल। ये देखिए इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, हमने वीडियो के अंदर बताया था, आपको अगर ध्यान हो याद हो तो उसके अंदर हमने बताया था कि सुमेटेड रेटेड स्केल को, सुमेटेड रेटिंग स्केल को हम लिंक लाइकर्ट स्केल भी कहते हैं। आपने
शायद अच्छे से वीडियो नहीं देखी है कल वाली, वो आप ध्यान से देखना। उसके अंदर मैंने आपको बताया सुमेटेड रेटिंग स्केल को हम क्या कहते हैं, लाइकर्ट स्केल कहते हैं। और इसके अलावा जैसे गुडमैन स्केल हो गया, थर्स्टोन स्केल हो गया, इन सभी स्केल के बारे में हमने बात की हुई है। तो आप इन तीनों स्केल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, इनमें से क्वेश्चन आया हुआ है। ये लाइकर्ट स्केल का ही नाम, दूसरा नाम है सुमेटेड रेटिंग स्केल है। यस बीना जी, ओल्ड पेपर से है सर जी। फिर ये सर, ओके सर, फिर से देखेंगे वीडियो। हाँ जी, फिर से देख लेना आप वीडियो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, फिश वॉल्ड्रो किसकी एक विधि है। फिश वॉल्ड्रो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नया क्वेश्चन है। नया मीन्स ये है कि अभी लेटेस्ट एग्जाम के अंदर आया ये क्वेश्चन। कहने का मतलब मेरा ये है, 21 का डी सर, एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कीजिए जी। हमने इस पे वीडियो बना रखी है कुमारी विनीता जी, हमने वीडियो बना रखी है, आप वीडियो देख लीजिए। उसके अंदर हमने विद एग्जाम्पल उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वीडियो देखिए, उसके अंदर बहुत अच्छे से हमने बताया है जी। डी डी और सी आंसर है इसका। सी किसका है, रश्मि कुमारी ने सी आया, सी दिया है इसका आंसर। और डी है अरुण, गीता, फहमिदा, मनोज कुमार, डी आंसर है सुमी। और ए आंसर किसका है, ए भी दे रहे हैं इसका है, कई तो ए भी दे रहे हैं। रैंडम सैंपल, सरिता मिश्रा, अखिलेश, ए के एस, और वो कहाँ गई भाई, अर्चना कहाँ गई, अर्चना मिश्रा कहाँ कहाँ गुलाल लाठी मार रहे हैं आप, कहाँ मटर गश्ती कर रहे हैं जी। चलिए इसका आंसर देखते दोस्त, देखते दोस्तों, रैंडम सैंपल से काफी क्वेश्चन आए हैं पहले एग्जाम में। हाँ जी बिल्कुल आए हैं जी। चलिए इसका हम आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर डी होगा, रैंडम सैंपलिंग होगा। और जिन्होंने ए आंसर दिया है ना, ए आंसर किसका है, देखता हूँ मैं, देखता हूँ, तोड़ूंगा मैं, रुक जाओ, किसका ए आंसर, ए आंसर ये देखिए, अखिलेश कुमार। अरे भाई साहब, क्यों पिटने वाले काम कर रहे हो आप, इतने पुराने स्टूडेंट होके गलत आंसर दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। रश्मि कुमारी हाँ, अब डी दे रहे हैं जी, इसका आंसर डी होगा। देखिए फिश वॉल यानी कि एक वो है, कुछ पानी है उसके अंदर हम फिश को निकाल रहे हैं, बहुत सारी मछलियां, उनमें से एक मछली को निकाल रहे हैं, तो वो क्या होगी, रैंडम सैंपलिंग होगी, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन सी मछली हमारे हाथ आएगी, है ना। तो ये होता है दोस्तों, सॉरी सर। हाँ जी सॉरी से काम नहीं चलेगा, अगर आपने एग्जाम के अंदर किसी ने भी गलत कर दिया ना, सच में बता रहा हूँ, एग्जाम में आके तोड़ूंगा मैं जी। सर डी क्यों होगा, समझ में नहीं आया। कादिर हुसैन जी, देखिए आप ये मान के चलिए तालाब है, तालाब के अंदर आपको एक मछली निकालनी है, तो आपको पता है क्या वो लाल, नीली, पीली, काली, सफेद, मोटी, पतली, छोटी, कैसी मछली आएगी, आपको तो नहीं पता ना। आप जो भी निकालेंगे वो रैंडम तरीके से आएगी, आपकी मर्जी से नहीं आएगी, वो रैंडम आएगी, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। हमें पता नहीं होता, आपने शायद वो नहीं देखा है, टाइप ऑफ सैम्पलिंग आप दोबारा से देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर दिया है मैंने, आपने ध्यान से नहीं, मैंने डी ऑप्शन दिया है, आई एम राइट, ओके 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 जी। आगे आंसर आना स्टार्ट हो गया, रश्मि, रमेश, सविता, सी आंसर दे रहे हैं, अर्जुन, जागवीर, चंदा, प्रीति, ए के एस, कादिर हुसैन, थैंक्स, सबरिन बानो, ईशा शर्मा जी, बी और सी आंसर दे रहे हैं, ये कैसे है भाई, बी और सी कैसे दे रहे हो आप। द कॉन्सेप्ट, दो सॉरी, द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच ए रिसर्च इज कंडक्ट इज कॉल्ड, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जिसके अंदर रिसर्च कंडक्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं। सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च पैराडिगम जी। बी आंसर, सी आंसर दे रहे हैं, काफी अलग अलग है। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा दोस्तों, रिसर्च डिजाइन होगा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, इसके रिसर्च डिजाइन के अंदर होता है दोस्तों। देखिए रिसर्च हाइपोथेसिस कैसे होगी, रिसर्च हाइपोथेसिस तो नहीं होगी ना, क्योंकि इस हाइपोथेसिस में तो हम ये देखते भी हमारी रिसर्च क्या हो सकती है, हम संभावना लगाते हैं, तो ये नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर रिसर्च डिजाइन होगा, और इसके बारे में भी हमने आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। पैराडिगम मीन्स
इसका हिंदी देखिए, शोध प्रतिमान, पैराडिगम की ये क्या होता है कि एक सेट ऑफ थिंकिंग होता है पैराडिगम। इसकी जो डेफिनेशन है वो अच्छे से मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ए सेट ऑफ थिंकिंग होता है, जैसे एज हम डेफिनेशन इसको हम कह सकते हैं, ये होता है डेफिनेशन के जैसी ये होती है जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। शोध में नैतिक सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी दो तत्व कौन से हैं? हाय, इसमें अब इंग्लिश में नहीं दिया, अब मैं पिटने वाला हूं। अब ऐसे कहेंगे सर आपने इंग्लिश में नहीं दिया, हाय हाय हंस गया मैं तो, पिटूंगा भाई। अनीता शर्मा रिप्लाई नहीं कर रहे जी मेरा जी, अब देखेंगे आपका क्वेश्चन, आपका सवाल जवाब जी। 23 का डी आंसर लर्न बाय डूइंग होगा, समझा नहीं सर मैं। चलिए वीना सुमन डी, सत्यम द्विवेदी, ये देखिए ये हमारे क्या कहें इनको, ये इतने लेट आए, ये पिटने वाले भाई जी सर। रूपरेखा के बारे में ही इसलिए रिसर्च डिजाइन जी। 23 का डी आंसर गीता सुजीत ए के एस चंदा रश्मि नवीन अरुण अनीता मनोज कुमार। सर मेरा फर्स्ट एग्जाम है, बहुत कंफ्यूज हूँ जी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अनीता शर्मा जी, कंफ्यूज क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, आप हमें व्हाट्सएप पे बताना कोई प्रॉब्लम है तो जी। चलिए इसका हम आंसर देखते हैं दोस्तों, सी और डी आंसर आ रहे हैं काफी दोस्तों के इनके, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा, ए और बी इसका आंसर होगा। ए और प्रतिभागियों को क्षति पहुंचाना, जिसका हम सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, अगर हम उसको कुछ नुकसान पहुंचाएंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, शोध का उल्लंघन होगा, शोध नैतिकता का उल्लंघन होगा। क्योंकि रिसर्च के अंदर जब भी हम सैंपल इकट्ठा करते हैं तो उसमें ये विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है कि उसकी जो प्राइवेसी है उसको हमें बरकरार रखना होता है, ठीक है। और बी इसके अंदर क्या है, सुसंचित सहमति का अभाव, इसके अंदर भी ये है दोस्तों। देखिए हम किसी से सैंपल ले रहे हैं और वो व्यक्ति सैंपल देने का इच्छुक नहीं है, तो हम जबरदस्ती उसका सैंपल ले रहे हैं, जबरदस्ती कोई क्वेश्चन कर रहे, तो वो भी क्या होगा दोस्तों, गलत होगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 जी। राजकुमार 22 का भी शायद आप लेट चल रहे, लेट आए होंगे आप। जो शोध तात्कालिक अनुप्रयोग का लक्ष्य करता है वह कहलाता है, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसमें उल्टा 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 सीधा जैसा भी होगा तोड़ूंगा मैं आपको, बहुत तोड़ूंगा। 24 का आंसर ये देखिए, 24 का आंसर ए आना स्टार्ट हो गया है, 24 का ए ए घर आके तोड़ूंगा अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया तो। ये क्वेश्चन गलत हो गया ना, मैं ना फोन को तोड़ दो, तुम्हारे स्क्रीन में से बाहर निकल के घूसा मारो, नाक पे घूसा मारूंगा तुम्हें जी। 24 का ए ए मेरा रोंग हो गया, हाँ घूसा खाने के लिए तैयार हो जाओ, रोंग नहीं। सत्यम द्विवेदी लेट चल रहे हैं, 24 का ए ए आंसर दे रहे हैं जी, हाँ 100% 24 का ए। फहमीद अनाज 24 का ए जी, और बताइए। अरे कोई तो आ जाओ घोसा खाने वाला, मनोज कुमार मोहद आमिर राहुल कामले जी, आप भी लेट आए हैं जी। राहुल जी आप कहाँ थे सर, आपके बिना भी जी नहीं लगता, काफी दोस्त है जिनके बगैर मन नहीं लगता। एक हमारे काफी दोस्त इसमें मिसिंग है, एक तो हमारी शहजादी खान मिस है और एक और है, उसका नाम बताना कौन मिसिंग है जी। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका आंसर ये देखिए अंकित जी, एक तो आया, एक मुर्गा तो फंसा, एक मुर्गा फंसा। अंकित जी तोड़ दू आपको, घूसा लगाऊ नाक पे, घूसा लगाऊ आपके, आगे बात समझ में पिट जाओगे आप बहुत अच्छे से मेरे से। इमीडिएट अप्लीकेशन जहां पे होती है वहां पे क्या होता है, एक्शन रिसर्च होता है। अरे कितनी बार बताया है भाई साहब, मेरी बहनों जी, बहन जी भाई जी। वैसे सभी दोस्त एक दोस्त को छोड़ के बस, और सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सारिका राहुल बबीता जी, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तीन दोस्त मिसिंग हैं। खबर लेते हैं इनकी, कल खबर लेता हूँ मैं, कॉल करूंगा इनको। 24 में इमीडिएट वर्ड है जी, 100% जी बिल्कुल सही, यही तो बात है ना दोस्तों, हमें
एग्जाम के अंदर छोटी छोटी चीजों को देखना होता है, उन्हीं से हमें समझ में आ जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। अब अगर एग्जाम के अंदर जहां भी इमीडिएट दिखाई दे, इमीडिएट एप्लीकेशन दिखाई दे, वहां पे क्या होगा, एक्शन रिसर्च होगा, झटाक से कर देना, ठीक है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इसके बाद एक और दो और क्वेश्चन है, यानी कि टोटल हमारे दो क्वेश्चन और रहते हैं जी। कार्योत्तर शोध का बताइए, राहुल, गायत्री, मंत्र, बबीता, सारिका। जी बिल्कुल सही जी, विनोद कुमार जी। चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों। कार्योत्तर शोध का अर्थ है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन। जी इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी बताइए। 25 का आंसर ए, ए ए आंसर दे रहे हैं, ए होगा, सच्ची में होगा। अरे सभी पिट जाओगे आप, अभी बताए नहीं है, क्या कर रहे हैं यार, सभी ए दे रहे हैं इसका आंसर। केवी शर्मा, शोभना, विक्रम, मनोज, राज, सुजीत, AKS, सारिका, शहजादी, अनिल कुमार, अनिल मंडल, वो शायद वहां बिजी होंगे। अच्छा जी, 100% लॉक कर दिया जाए जी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अरुण शर्मा, अरुण कुमार ने पता है क्या किया है, इन्होंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा कि पिटाई ना हो अगर गलत हो जाए तो। जी सर, आई एम फर्स्ट एंड राइट आंसर ए जी। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए है दोस्तों, बिल्कुल सही है। घटना के बाद जो शोध की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कार्योत्तर शोध, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। द रिसर्च इज कैरी आउट आफ्टर द इंसिडेंट, घटना घटित होने के बाद जो शोध की जाती है उसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं जी। बिल्कुल सही यार, इसमें कोई मिला नहीं, पिटने वाला मिला नहीं। चलिए अच्छी बात है, कोई पिटने वाला नहीं मिला था। सर कैसे समझी नहीं जी, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च उसी को कहते हैं जो कोई घटना घट गई हमारे पास, उसके बाद में जो शोध की जाती है उसको हम, अरे टिड्डी आ गई यार, टिड्डी आ गई मेरे पास, पता नहीं क्या क्या आ जाते हैं, टिड्डा घूम रहा, बहुत बड़ा टिड्डा घूम रहा है मेरे रूम में। घटना के बाद जो शोध की जाती है उसे कार्योत्तर शोध कहते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। इसके बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया, आप वीडियो देखिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेरी वेड, वॉचिंग 72, लाइक ओनली 25। अरे भाई साहब कर दो यार, कर दो लाइक, कर दो, 70 दोस्त ऑनलाइन देख रहे हैं, 25 ने लाइक किया है, वेरी बैड। बट सर क्वेश्चन दिखाई भी नहीं देते हैं, बट आंसर कर दे रहे हैं सभी। ओहो चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों, अब देखता हूं किसका सही होगा। अब मैं देखता हूं कितने इंटेलिजेंट है, इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि आपका नेट होगा या नहीं, कितने चांसेस हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है नेट होने के, बहुत ज्यादा चांसेस है। वीना जी बाद में जी, कोई नहीं, आप आराम से पढ़िए, हमारे पास है 1-2 मिनट का टाइम है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, देखिए किसी विश्वविद्यालय के एक विभाग द्वारा एक ऐसा अध्ययन किया जाना जहां पर शिक्षकों तथा छात्रों की अभिवृत्ति, मूल्य तथा उनके पक्षपात के परीक्षण का अध्ययन किया जाना है। देखिए शिक्षकों तथा छात्रों की अभिवृत्ति, मूल्य तथा उनके पक्षपात का परीक्षण किया जाना है, तो क्या होगा वहां पे। इंग्लिश में हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, स्टडी ऑफ एटीट्यूड, वैल्यू एंड प्रिजुडिस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा जी। 26 का 4, 26 का बताइए, 26 का 4। मधु जी लेट चल रहे हैं, प्रीति ने 4 दिया, अनीता ने 4 दिया, अर्चना ने डी दिया है, इकरार ने डी दिया, अभिषेक ने डी दिया है जी। अब देखो सारे के सारे वो भेड़ चाल है सारे के सारे जी। 26 का डी, डी डी आंसर दे रहे हैं। 26 का ए, हाँ अब ए आना स्टार्ट हो गया है, ज्योतिमा ने ए दिया है, कादिर हुसैन ने ए दिया है, अखिलेश ने ए दिया है जी।
डी आंसर मिताली, अर्जुन, जागवीर, अर्जुन, अलका, ज्योतिमा, सर 26 का ए, ए और डी आंसर आ रहे हैं भाई इसका, तो देखते हैं क्या होगा। साहिब कुमारी, के बी शर्मा, रश्मि, रश्मि ने बी दिया। अब देखिए बी भी आना हो गया। रुचिता आप लेट आए जी। मुस्कान मिश्रा, दिलीप सिंह, वीना सुमन, 26 का 4 ही लग रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन 5 भी ऐड होना चाहिए। ओहो चलिए देखते हैं। राहुल कामले ने डी दिया है। अर्जुन एंथ्रोपोलॉजी ये है ऑप्शन में। जी देख इथेनोग्राफी, सॉरी इथेनोग्राफी, अर्जुन जी। चलिए 26 का 4 श्योर लॉक कर दिया जाए। मनोज कुमार तो ए कह रहे हैं, आप विनोद कुमार डी कह रहे हैं, किसका लॉक करें हम? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 4 होगा। हा। जी बिल्कुल सही, जिन्होंने 4 आंसर दिया है। अब देखिए कौन कौन पिटेगा। रश्मि कुमारी, पूजा यादव, और कौन है भाई, और हाँ अनीता रानी, रश्मि, और देखता हूँ मैं सभी को तोड़ूंगा, मैं सभी याद है मेरे को, मेरे पास कमेंट रहते हैं। रश्मि कुमारी और कौन है, ये देखिए ज्योतिमा, हम भी पिटेंगी। 26 का ए आंसर दिया इन्होंने। और कौन है, और कौन है, और कौन है, रश्मि, फरहानाज, 2 आंसर दिया है। हा, पिटेंगे पिटेंगे जिन्होंने। देखिए इसके अंदर 4 4 में ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 और सेकंड और फोर्थ दिया है। सेकंड क्या है, व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी। देखिए इसके अंदर क्या है, एटीट्यूड, वैल्यू, प्रेजुडिसी ऑफ टीचर। ये देखिए टीचर और स्टूडेंट की बात चल रही है, तो वहां पे क्या है, सबसे पहले तो क्या होगा, केस स्टडी करनी है हमें वहां पे, ठीक है। व्यक्ति का अध्ययन अध्ययन करना है यहाँ पे। देखिए छात्रों और शिक्षकों की एटीट्यूड क्या है, क्या एटीट्यूड है उनका, उनके बारे में, उनकी क्या वैल्यू है, यानी कि उनके नैतिक मूल्य क्या है, उनके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा देखिए, दूसरा हमारा क्या, फॉर नर जातीय पद्धति, इथेनोग्राफिक मैथोलॉजी। इथेनोग्राफिक के बारे में हमने बात नहीं की थी कि व्यक्ति के जीवन से रिलेटेड जब रिसर्च की जाती है, उसके जीवन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो बात की जाती है, वहां पे क्या होती है, इथेनोग्राफिक रिसर्च होती है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 और 4 यानी कि केस स्टडी और इथेनोग्राफिक रिसर्च होगा। देखिए एक्सपेरिमेंटल तो इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट करके थोड़ी ना देख रहे भाई क्या करने से क्या। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नहीं है। आज 26 क्वेश्चन थे दोस्तों, और इन 26 क्वेश्चन में हमने रिसर्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग सभी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आप सभी दोस्त अपने अपने कमेंट जरूर बताना, और कोई भी सवाल जवाब है, कोई भी अगर आपको बात समझ में नहीं आई है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप सभी को हमें हमारा पता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और इस लाइव मॉक टेस्ट का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, जो हमारा पेड कोर्स है उसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और कल हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास होगी, तो वो क्लास आप सभी दोस्त जरूर जरूर देखना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बाय बाय दोस्तों।